केमिस्ट्री स्टूडेंट्स सब क्लास 11, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनमें पहला हमारा कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टी करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर इसके साथ अटैच हैं एज ए डबल साल्ट। सोडियम के वैलेंसी 1 पॉजिटिव, कार्बोनेट की है 2 नेगेटिव, तो इसलिए इसका फार्मूला जब बनता है हमारे पास Na2 लगेंगे, Na2 और CO3 सिंगली रहेगा। CO3 इट इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन। ये तो सोडियम आयन है, ये कार्बोनेट आयन ग्रुप आयन है। इसको आप ऐसे जा रखोगे CO3 2 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन। तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वी प्रोसेस। तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्वी प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इन दिस प्रोसेस ड्यू टू द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाई इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लो सॉल्युबिलिटी होने के कारण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहां पे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड saturated with ammonia where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate. ammonium hydrogen carbonates are formed. the equation for the complete process may be written as, puri equation is tarah se likhi jayegi aur aapne khas kar chemical reaction pe pura ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसको लिखेंगे हम। दिस इज अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू अमोनियम कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम को आप ऐसे याद रखोगे अमोनियम का फार्मूला NH4 1 पॉजिटिव, अमोनिया का है NH3, तो अमोनियम क्या होता है NH4 1 पॉजिटिव। तो कार्बोनेट मैंने अभी आपको बताया था कार्बोनेट होता है 2 नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे NH4 2 CO3 फार्मूला हमारा ऐसे बनेगा NH4 2 CO3 अमोनियम कार्बोनेट। फिर सुनिए यहाँ पे अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों आपस में रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला HCO3 1 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी है तो इसलिए अब यहां पर एक ही अमोनियम आयन लगेगा। तो फार्मूला बना हमारे पास NH4 HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके नीचे आपने नेम भी लिखते जाना है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम अमोनियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट
प्लस सोडियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर भी आप देख रहे हो HCO3 की वैलेंसी 1 एक्टिव है, इसलिए एक ही Na लगेगा, एक ही सोडियम का आयन यहाँ पे आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट्स, ये अलग हो जाते हैं। दीज आर हीटर टू गिव सोडियम कार्बोनेट, इनको हम हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट जो हमने बनाना है। तो इसलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या करना है इसको हीट, तो प्रोडक्ट बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बन गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके नेम्स आपने नीचे लिखते जाना। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है, इनके रिकवरी ऑफ द अमोनिया। इस रिएक्शन में अमोनिया थोड़ा फिर बन जाता है, क्योंकि अमोनिया से ही ये बन रहा है और अमोनिया फिर बन सकता है, इसलिए रिसाइकिलिंग भी इसकी की जाती है। इट मे बी मैंशनड हियर दैट सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्वल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस में हम पोटाशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्वल होता है, तो इसलिए ये वहाँ पे सॉल्वल रहेगा, प्रोटीन नहीं बनता है। तो आपने यहाँ तक ही याद रखना है आगे नॉलेज के लिए, लेकिन प्रॉपर्टीज याद करनी है इसकी ठीक ठाक। प्रॉपर्टीज देखो सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज ए डेकाहाइड्रेट। डेका होता है 10, हाइड्रेट होता है वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जल्दी घुल जाता है। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो बाकी वाटर के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, एक इसके साथ ही रहेगा अप टू 375 केल्विन टेम्परेचर तक। लेकिन अगर हम उससे ऊपर हीट कर दें तो वो भी चल जाएगा। अब 373 केल्विन द मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंप्लीटली एनहाइड्रस एंड चेंजेस टू ए वाइट पाउडर कॉल्ड सोडा एश। यहाँ पे आप देख रहे हो अगर हम इसको 373 से अबव हीट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है साथ में, इसको हम सोडा एश भी कहते हैं। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एन अल्केलाइन सॉल्यूशन। तो सोडियम कार्बोनेट जब पानी में सॉल्युबल हो जाता है तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, अल्केलाइन इन नेचर। दिस इज अल्कली, OH नेगेटिव अल्कली होती है या बेस भी इसको हम कहते हैं, इसलिए कार्बोनेट आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। अब यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग।
laundering and cleaning agent. It is used in the manufacture of glass, soap, borax and caustic soda. It is used in paper, paint and textile industries. It is an important laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis. तो ये था हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट इज ए केमिकल नेम. तो वॉशिंग सोडा इसका इट इज ट्राइबल नेम. सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड, सोडियम का ही सोडियम क्लोराइड NaCl, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव. द मोस्ट अबंडेंट source of sodium chloride is sea water, which contains 2.7 to 2.9% by mass of the salt. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of sea water. Approximately 50 log tons of salt are prepared annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization of brine solution. Brine solution होता है concentrated solution of sodium chloride. तो mostly sodium chloride समुद्र से ही prepare किया जाता है. तो brine हो गया concentrated solution of sodium chloride. Contains sodium सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज. तो इसमें सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं. कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर ड्यूलुकिसेंट. डील्यूकिसेंट वो होती हैं जो एब्जॉर्ब करें मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से. टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर टू रिकवर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. क्रिस्टल्स ऑफ योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट्स आउट. Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remain in solution. Next, sodium chloride melts at 1081 Kelvin temperature per high melting point. It has a solubility of 36.0 gram in 100 gram of water. At 273 Kelvin, this solubility does not increase with increase in temperature. Temperature बढ़ने से solubility कोई ज़्यादा increase नहीं होती. जित इसकी preparation uses क्या हैं? It is a table salt जो हम खाते हैं, नमक घर में खाते हैं. That is sodium chloride. It is used as a common salt or table salt for domestic purpose. It is used for the preparation of sodium oxide, sodium hydroxide and sodium carbonate. इसके uses हैं. आगे एक और है important compound, sodium hydroxide. Hydroxide का formula OH- negative, तो sodium का आपको पता है. इसको हम caustic soda भी कहते हैं. It is generally called as caustic soda. Sodium hydroxide is generally prepared commercially by the electrolysis of sodium chloride in Kästner-Kellner cell. A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode and a carbon anode. इस cell में brine solution, मैंने पहले भी आपको बताया, concentrated solution of sodium chloride, जिसकी electrolysis करते हैं. यहाँ पे हमारे पास mercury cathode है और carbon है anode. Sodium matter discharged at the cathode combines with mercury to form sodium amalgam. Sodium mercury के साथ reaction करके sodium amalgam बना देता है.
क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड, क्लोरीन गैस एनोड में इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन आई, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम के एटम बन जाते हैं और सोडियम मर्करी के साथ रिएक्शन करके सोडियम अमालगम बना देगा, मर्करी के साथ रिएक्शन करके। एनोड पे क्लोराइड आयन सीएल वन एक्टिव आयन, क्लोरीन वन ओवर टू इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्लोरीन का एटम बन जाएंगे, दो एटम इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप दो भी लिख सकते हो, अगर यहाँ वन ओवर टू नहीं लिखना हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, फिर देख लो, दिस इज रिएक्शन एट द कैथोड, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम और मर्करी के साथ रिएक्शन करके अमलगम। एनोड पे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन निकाल के बन गए क्लोरीन के एटम, तो दिस इज हाफ मॉलिक्यूल। द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम अमलगम पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी प्रेपरेशन करनी है हमने वो बन जाएगा, मर्करी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन टेम्परेचर, इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डील्यूकिसेंट, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट है इसके यूजेस, कहां कहां इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पेपर आर्टिफिशियल सिल्क एंड ए नंबर ऑफ केमिकल्स, इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, एज ए लेबोरेटरी रिजेंट भी इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। फिर सुन लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जो घरों में पूड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ, और कोई चीज छोले बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लीविंग होल्स इन केक्स या पेस्ट्रीज एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी। ब्रेड बनाने के लिए या कोई ऐसी बेकरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो वो फोम लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है वहां पर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल गेट्स सेपरेटेड आउट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए मिल्ड एंटीसेप्टिक एंड स्किन इन्फेक्शन, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटेंशंस, आपने देखा होगा आग भी इसे बुझाई सकती है, आग बुझाने वाला केमिकल यही है, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये थी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
थैंक्स।